अभी हम पहुंचे हैं फ्रेजरगंज, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये फिशिंग हार्बर है। तो ये गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक 5 रुपये का एंट्री टिकट है, और ये जो ई रिक्शा है इसके लिए 8 रुपया लगता है। तो हम यहाँ एंट्री टिकट लेके आगे जा रहे हैं। आगे चलने के बाद वहाँ पे कई सारे चीज़ अभी हमको पता चला है क्योंकि है। दोस्तों हम पहुंच गए फ्रेजरगंज का जो हार्बर एरिया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से सारे जो शिप्स छोटे छोटे ट्रॉलर आते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, वो यहाँ पे आके अनलोडिंग होता है और यहाँ पे स्टोर किया जाता है। विनफिश का जो स्टोर है, यहाँ कोल्ड स्टोर है, और यहाँ से ये फिश ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में सप्लाई किया जाता है हर मार्केट में। ये देख पा रहे ट्रॉलर, ये एक्चुअली मछली पकड़ने का ट्रॉलर है। जो जेटी बना हुआ है, लाइन से ट्रॉलर यहाँ पे रखा गया है। ये सारा बे ऑफ बंगाल से फिश पकड़ के इनके नेट देखिए मछली पकड़ने का, कितना फाइन नेट है ये। एकदम पतला और हल्का नेट है, फॉलर में फिश रखने के लिए बकेट और नेट और एंकर, यही सब चीजें हैं। यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा लॉन्च भी है, यहाँ से कई सारे साइट सीइंग भी होता है। उसमें इसमें क्या है, ग्रुप बुकिंग करना पड़ता है, 25-35 ऐसे लोगों का ग्रुप बुकिंग करना पड़ता है। पर हेड 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ का है। तो आप लोगों को यहाँ आसपास का बहुत बड़ा एरिया जो कि घुमा के लाते हैं। ये सारे अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं, मतलब रात ख़त्म होने से पहले ये हर बार में पहुँच जाते हैं यहाँ पे अनलोडिंग करके, फिर दोपहर के बाद फिर निकल जाते हैं। ये रात भर मछली पकड़ने के बाद फिर अर्ली मॉर्निंग फिर वापस आते हैं। ये है इनका सिस्टम। ये लॉन्च लाइन में जो है, ये जम्मू द्वीप है, एक आइलैंड है जम्मू आइलैंड, घूमने के लिए इस लॉन्च पे लोग जाते हैं। कोस्ट गार्ड का शिप है ये, वेस्ट बंगाल मरीन पुलिस, सुंदरबन एरिया को सिक्योर रखने के लिए ये मरीन पुलिस का बोट घूमते रहते हैं। ये देखिए नेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये मछली पकड़ने के लिए ले जाते हैं, तो इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके फिर ले जाना पड़ता है। इन लोगों का ये रोज का काम है एक्चुअली, मछली पकड़ के लाओ, फिर मछली अनलोड करो, नेट से निकालो, फिर अगले दिन सुबह ऐसे नेट और अरेंज करो दोबारा से, फिर जाओ समंदर में, फिर इस नेट को डालो, रेगुलर रूटीन है। ये जो बोट एक दो करके आगे निकल रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल की तरफ, और ये जो बोट देख रहे हैं इसको लोड किया जा रहा है अभी। ये देखिए सारे आइस आया हुआ है, ये आइस को बोट में लोड किया जा रहा है। इसी वजह से क्योंकि ये एक बार निकलते हैं तो थोड़ा आने में लोगों को काफ़ी टाइम लगता है वापस आने में फिश पकड़ के, तो ये फिश को प्रिजर्व करने के लिए ये बर्फ चाहिए होता है ताकि फिश ख़राब ना हो जाए, इसीलिए इस बर्फ़ को भी लोडिंग किया जा रहा है नाव के अंदर। तो ये था फ्रेजरगंज का हार्बर एरिया, यहाँ से हम जा रहे हैं वापस फिशिंग हार्बर एरिया। ये बेनफिश के अंडर में है एक्चुअली, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो बेनफिश है फिशरी प्रोजेक्ट उसके अंडर में है। तो हम यहाँ से अभी जा रहे हैं वापस। तो बेनफिश के अंदर ये हम हार्बर देखने के बाद अभी हम यहाँ से थोड़ा नारियल पानी पी रहे हैं,
25-30 रुपये का एक नारियल है, ये पी के फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो ये मेरे लिए ओके। दोस्तों ये फ्रेजरगंज के अंदर ये बेनफिश का गेस्ट हाउस है जिसका नाम है सागर कन्या। इसका ऑनलाइन भी बुकिंग होता है और यहाँ पे साइट बुकिंग भी होता है, तो कोई भी यहाँ पे भी रह सकते हैं कोई भी आकर के। बहुत बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस है ये दोस्तों। ये वेस्ट बंगाल का एक स्पेशलिटी है ये विंटर में ठंड का मौसम में, वो है खजूर का गुड़। खजूर का जो रस होता है उस रस से बना हुआ गुड़। ये देखिए ये है खजूर का पेड़, इसमें रात को लगाया जाता है मटका। वो सामने पेड़ दिख रहा है बड़ा साइज का, रात को वहाँ पे मटका लगाया जाता है और सारा रात भर यहाँ पे रस गिरता रहता है। उसी रस को कलेक्ट करने के बाद फिर ऐसे जगह पे ये गुड़ बनाया जाता है। ये जो रस है खजूर का रस, वो सुबह लाने के बाद रात भर, जो पहले बताया था रात भर गिरता रहता है मटके में, उसको सुबह कलेक्ट करने के बाद इसको लाके पहले बॉईल किया जाता है। तो फर्स्ट बॉईल करने के बाद ये ऐसा दिखता है, देखिए ये बनाया जा रहा है, ये ऐसा दिखता है। इसके बाद ये देखिए सेकेंड बार बॉईल करने से ये ऐसा हो जाता है। ये दो हिस्से हैं अलग अलग, ये देखिए थोड़ा सा थिकनेस है ज़्यादा और ये थोड़ा लिक्विड है। और फाइनली तो ये धीरे 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 ऐसे बॉईल करने के बाद ये थिक होते होते जो गुड़ बन जाता है, ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही सुगंधित है। हमसे रहा नहीं गया, हमने ये गुड़ खरीद लिया यहाँ पे, ये डब्बे में पैक करके दे रहे हैं, बिल्कुल 100% प्योर खजूर का गुड़। तो ये हम घर ले जाएंगे 135 रुपया किलो, 130 रुपीज़ पर किलो है। आई होप ये अच्छा गुड़ होगा। ये जो पैक किया जा रहा है लिक्विड फॉर्म में, ये देखिए टिन में पैक हो रहा है, ये पैक करके हर जगह पे सप्लाई चला जाता है। ये जो बस स्टैंड है यहाँ से बीच करीब 500 मीटर है, हाफ किलोमीटर, तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं और ये ई रिक्शा में भी जा सकते हैं। और बस स्टैंड के सराउंडिंग्स में ज़्यादातर होटल है रहने का, और वैसे खाने का होटल भी बहुत सारा है। ये रास्ता जाके बीच में ही पहुंचता है। तो फ्रेंड्स हम अभी बौखली बीच में पहुंचने वाले हैं। टूरिस्ट बहुत कम है क्योंकि इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा है। ये जो ट्रॉलीज दिख रहा है ये सारे शाम को एक्चुअली फिश का शॉप, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स खुलता है। इस टाइम सारा कुछ बंद है, आज कोई हॉलीडे नहीं है। एक्चुअली शाम का नज़ारा, शाम को यहाँ पर रौनक लगता है, यहाँ दिन में लोग आते नहीं हैं क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्गर समुंदर यहाँ से अभी लो टाइड की वजह से पीछे चला गया, बहुत देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पीछे, 1 किलोमीटर के करीब पीछे चला गया समुंदर। बीच में पानी है, हम उधर जा नहीं सकते, ये पानी टैप के अभी जाना मुश्किल है। ऐसे जगह पे आने का मज़ा जो है, यहाँ पे खाओ पियो ऐश करो मस्ती करो, यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जहाँ पे टूरिस्टों का ज़्यादा भीड़ हो जाता है वहाँ पे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शाम को थोड़ा रौनक लगता है, शाम को दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी टूरिस्ट बहुत ही कम है, ना के बराबर टूरिस्ट है। ये टूरिस्ट शुरू होगा एक्चुअली दिसंबर से, यहाँ भीड़ थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। अब जब हाई टाइड होता है तब समुंदर में जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ तक पानी होता है, अभी लो टाइड हो गया इसी वजह से बिल्कुल पानी आधा किलोमीटर दूर चला गया। ये है बौखली का सी बीच। लोग कलकत्ता से और वेस्ट बंगाल के अदर प्लेसेस से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, लेकिन आने का सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो है कलकत्ता। कलकत्ता से बहुत इजीली यहाँ पे पहुँचा जा सकता है।
बहुत कम पैसे खर्च करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये बीच मैं आप लोगों को दिखाया, अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे इस टाइम रह के और कोई फ़ायदा नहीं है। शाम को दोबारा एक बार आएंगे और शाम का नज़ारा भी थोड़ा वो दिखाएंगे यहाँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये रहने के लिए यहाँ रूम लिया है एक दिन के लिए, बहुत ही सस्ता, ओनली 600 रुपीज़ का रूम है। ये जो रूम आप लोगों को मैं दिखाया हूँ, तो यहाँ 15x12 का कम से कम रूम है, टीवी है, एकदम न्यू है और एक बालकनी भी है साथ में। रात को बालकनी में तो कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ये है सामने बालकनी दरवाजे के बाहर, तो वहाँ भी देखा जा सकता है। एक बाहर तालाब है, तो कुल मिला के बहुत सस्ता है। बाथरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, एक झलक दिखा देता हूँ। कुल मिला के बहुत ही सस्ता है ये रूम, लेकिन दिसंबर जनवरी ये दो महीना जो है ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है होटल। अभी तो ये काफ़ी सस्ता है, बाकी यहाँ फूडिंग लॉजिंग सब कुछ यहाँ है, जो भी आपको खाना पीना चाहिए यहाँ पे आराम से मिल जाता है। ये है हमारा होटल जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, ये होटल का रिसेप्शन, ये दूसरा गेट जहाँ से हम जा रहे हैं, ये सामने किचन, ये है हमारा रूम।